के ऊपर अटाकर को डबल क्रॉस। बाहर निकल, बाहर निकल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई एक कॉमेडी तो नहीं लेकिन क्राइम थ्रिलर फिल्म लव हॉस्टल को लेकर, जिसमें कि आपको नजर आएंगे तीन कलाकार और तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक बेहतरीन, विक्रांत मैसी, सन्या मल्होत्रा और वन एंड ओनली बॉबी देओल। अब बात करें फिल्म को लेकर तो वो बताया जा रहा है कि तीनों के कैरेक्टर्स को इक्वालिटी दी गई है, जो उनकी स्क्रीन पे अपीयरेंस है एकदम बराबर बताई जा रही है, यानी कि तीनों ने ही अपना जो काम है और परफेक्शन के साथ दिया है। और सबसे ज़्यादा जो तारीफ हो रही है इनमें फिर भी जमकर वो है इस फिल्म के विलेन यानी कि बॉबी देओल की, जो कि डे बाय डे निखरते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में लव हॉस्टल के थर्ड डे कलेक्शन को लेकर कि फिल्म आज, सॉरी गाइज, फोर्थ डे कलेक्शन को लेकर कि फिल्म आज यानी कि मंडे को कितना कलेक्शन कर सकती है OTT यानी कि G5 से। वेल, आपको बता दूँ डे बाय डे इसकी बोलते ना हाइप बढ़ती जा रही है, हाइप लोग इसके देखना चाह रहे हैं, एक्चुअल में फिल्म पसंद आ रही है लोगों को। रेटिंग इसकी भले ही डाउन जा चुकी है अब 6 से भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक उसको जेन्युइनली पसंद कर रही है। ऐसे में अगर बात करें कलेक्शन को लेकर तो ये फिल्म आज भी 3 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है G5 यानी कि OTT से, जहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया है जाने माने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स यानी कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने, और वहीं पर इसको डायरेक्शन दिया है शंकर रमन ने। वेल गाइज, अगर आपने फिल्म लव हॉस्टल देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट में मेंशन करना, क्योंकि इस फिल्म का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है एकदम परफेक्ट है और मूवी अमेजिंग। फिल्म को काफ़ी अच्छी बताया जा रहा है, हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी तक इस फिल्म को लेकर एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं। वेल, आपके ओपिनियन मेंशन करते रहिएगा और वीडियो आपको पास है ही, देख लेना जब मन करे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय।